Samsung Galaxy A15 को यूज करते हुए आज हमें पूरे 30 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और इस स्मार्टफोन को ना हमने अच्छी तरह से यूज किया ताकि ये आपको अच्छी तरह से बता सके कि ये स्मार्टफोन आपके लिए सही है या नहीं है। तो देखिए मेरे पास ये 256 GB के अंदर है जिसकी प्राइस 22,500 रुपए है और 128 के अंदर खरीदोगे तो वो आपको 19,500 रुपए तक मिल जाएगा। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या 19,000 रुपए के अंदर इस स्मार्टफोन को खरीदना चाहिए या फिर इसकी जगह दूसरी ब्रांड की तरफ जाना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले अगर आप इसकी डिजाइन देखो ना, हमने यहाँ पे ब्लू ब्लैक के अंदर चूज किया है, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लू लगता है और थोड़ा थोड़ा ब्लैक भी लगता है। तो यहाँ पे डिजाइन पीछे देखोगे यहाँ पे ग्लास नहीं है, प्लास्टिक ही मिलती है और यहाँ पे फिंगर वगैरह ना बहुत ज्यादा चपते, यानी कि बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, तो आपको कवर के अंदर तो रखना ही पड़ेगा। और दोस्तों अगर बॉक्स के अंदर देखोगे चार्जर वगैरह नहीं है तो 19,000 रुपए ये हो गए और 1,000 रुपए एक्स्ट्रा चार्जर की भी आपको लगाने पड़ेंगे। तो ये कह सकते हैं कि 20 से 20,500 रुपए के अंदर मिलेगा, वो भी 128 के अंदर, और इसके अंदर 25 वोल्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। और इसकी जो फ्रेम है वो भी दोस्तों यहाँ पे प्लास्टिक की ही देखने को मिलती है और पोर्शन बटन्स देखोगे ना, यहाँ पे पावर बटन एंड वॉल्यूम बटन को थोड़ा सा यहाँ पे बाहर निकाला गया है और पावर बटन को जब भी आप प्रेस करते हो तो थोड़ी सी आवाज ज्यादा आती है दूसरे स्मार्टफोन से, ये देखिए थोड़ी सी आवाज ज्यादा आ रही है। और दोस्तों आप नीचे की साइड में देखोगे आपको यहाँ पे स्पीकर मिल जाएंगे, नीचे की साइड में आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, नीचे माइक के नीचे आपको 3.5 mm का जैक भी मिल जाता है, लेफ्ट साइड के अंदर आपको सिम स्लॉट मिलता है जिसके अंदर या तो आप एक सिम कार्ड या फिर एक सिम कार्ड एक मेमोरी कार्ड भी डाल सकते हो। ऊपर की साइड में नॉइस कैंसिलेशन का माइक मिल जाता है, तो इसके अंदर आपको सिंगल स्पीकर ही मिलते हैं। तो यार इस प्राइस के हिसाब से यहाँ पे ड्यूल स्पीकर आपको मिल सकते हैं। सबसे जरूरी चीज दोस्तों, इसके ऊपर आपको कोई भी फ्रंट पर पन्नी वगैरह लगाकर नहीं देते हैं, तो आप जब भी इस स्मार्टफोन को खरीदो तो सबसे पहले इसके ऊपर आप ग्लास लगा लें। तो आपको पता होगा जो सैमसंग गैलेक्सी A14 आया था वो ना मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा बिकने वाला मोबाइल था, तो क्या A15 बिकेगा या फिर नहीं बिकेगा, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोसेसर मिलता है ना मीडियाटेक डायमेंसिटी 6100 प्लस प्रोसेसर मिलता है, जो कि मेरे हिसाब से दोस्तों इस प्राइस के अंदर ये बहुत ही कम प्रोसेसर है। इस प्रोसेसर को बढ़ाया जा सकता था क्योंकि इसके अंदर तो स्कोर वगैरह देखोगे सिर्फ 4 लाख प्लस ही है। अगर BGMI वगैरह खेलोगे तो दोस्तों इसके अंदर आप 40 FPS तक ही खेल सकते हो। यहाँ पर ना ये स्मार्टफोन ना गेमिंग को टारगेट नहीं करता है, अगर आपका मेन पर्पस गेमिंग वगैरह है कि मुझे गेमिंग वगैरह अच्छी करनी है तो गेमिंग को टारगेट नहीं करता है। इसके अंदर हमने गेम वगैरह खेल के देखे हैं दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा लैग होने लग जाता है तो गेमिंग वगैरह के अंदर लैग का इशू मिलता है। आउट ऑफ द बॉक्स इसके अंदर आपको एंड्रॉइड 14 देखने को मिल जाता है, ये अच्छी बात है। और दोस्तों इसके अंदर ना 4 साल के मेजर अपडेट्स एंड 5 साल के आपको सिक्योरिटी अपडेट्स भी देखने को मिलेंगे। और आपको पता होगा सैमसंग के स्मार्टफोन के अंदर ना हम आसानी से कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह तो कर सकते हैं, ये भी एक अच्छी बात है क्योंकि दूसरे स्मार्टफोन के अंदर आपको यहाँ पे गूगल डायलर देखने को मिलता है। तो मैं यहाँ पे क्लियरली कह सकता हूँ कि अगर प्रोसेसर के लिए खरीदना है ना तो आप दूसरी ब्रांड की तरफ जा सकते हो, जैसे कि वो T2 Pro है, वो दोस्तों यहाँ पे 2-3 हजार रुपए एक्स्ट्रा देकर उसके अंदर आपको अच्छा खासा प्रोसेसर मिल जाता है। और अगर इसका वेट देखोगे ना थोड़ा सा भारी महसूस होता है क्योंकि इसके अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी दी गई है, तो यहाँ पे 5000 mAh की जो बैटरी है उसका बैकअप दोस्तों काफी अच्छा यहाँ पे निकाल के देता है। मैंने इसको अच्छी तरह से यूज किया दोस्तों, पूरा दिन आपके आराम से निकाल देता है। अगर आप पूरे दिन गेमिंग वगैरह के अंदर ही लगे रहते हो तो आपको पता होगा दिन में एक बार चार्ज करना पड़ता ही है, नहीं तो दोस्तों आपके पूरा दिन आराम से निकाल देता है। और दोस्तों मैंने देखे कि काफी भाई कॉमेंट कर रहे हैं कि भाई ये लैग हो रहा है इसके अंदर, मतलब हैंग हो रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे इतना कोई मुझे ज्यादा शिकायत देखने को नहीं मिली है। हम जब इसको हेवी यूज में लेते हैं, ज्यादा गेमिंग वगैरह करते हैं या फिर हम दोस्तों कोई भी काम फास्ट करते हैं तब कभी कभार यहाँ पे थोड़ा सा लेग का इशू मिलता है। अगर डिस्प्ले देखोगे तो इसके अंदर आपको 6.5 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है। तो डिस्प्ले को दोस्तों हमने यहाँ पे अच्छी तरह से यूज किया, मूवीज वगैरह देखिए काफी अच्छी यहाँ पे कलर्स वगैरह निकल कर आते हैं, पर यहाँ पे बेजल थोड़े से ज्यादा देखने को मिलते हैं आप नीचे वगैरह देखोगे तो। अगर आपको बेजल लेस डिस्प्ले चाहिए तो इस प्राइस के अंदर बहुत सारी ऐसी डिस्प्ले है, और इसके अंदर फ्लैट डिस्प्ले मिलती है जो कि मुझे काफी ज्यादा पसंद है। अगर आपको कर्व्ड डिस्प्ले चाहिए तो आजकल तो सभी स्मार्टफोन के अंदर आपको कर्व्ड डिस्प्ले देखने को ही मिल रही है। और दोस्तों यहाँ पे इसके अंदर 90Hz ही रिफ्रेश रेट मिलती है, तो यहाँ पे 120Hz रिफ्रेश रेट भी दी जा सकती थी। इसके अंदर ना 800 nits की ही पीक ब्राइटनेस मिलती है, तो हमने धूप वगैरह के अंदर भी इसको काफी यूज किया है तो यहाँ पे इतनी कोई दिक्कत तो नहीं है, पर यहाँ पे थोड़े से यहाँ पे डिस्प्ले को बढ़ाया जा सकता था अगर धूप वगैरह के अंदर, कभी कभार यहाँ पे शिकायत देखने को मिली है। और दोस्तों यहाँ पे धूप वगैरह के अंदर भी चलाओगे तो काफी ज्यादा ब्राइट निकल कर आ जाती है,
और दोस्तों यहाँ पे जब मूवीज वगैरह देखोगे, कलर वगैरह देखोगे, यहाँ पे चलने के अंदर जो स्मूथनेस है दोस्तों वो तो आपको पता होगा दोस्तों यहाँ पे सैमसंग के नीचे नीचे ही। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ इसकी डिस्प्ले मुझे थोड़ी सही लगी और प्रोसेसर से मैं निराश हूँ। डिजाइन दोस्तों आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हो, अगर आपको प्लास्टिक चाहिए या फिर आपको ग्लास चाहिए या फिर आपको एक फ्लैट डिजाइन चाहिए फिर करोड़ वाली डिजाइन चाहिए, वो आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हो। चलिए फाइनली बात कर लेते हैं इसके कैमरा के बारे में। तो इसके पीछे तीन कैमरा है, जो मेन कैमरा है वो है 50 मेगापिक्सल का और 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड दिया गया है, जो कि मेरे हिसाब से 8 मेगापिक्सल का भी दिया जा सकता था। 2 मेगापिक्सल का यार मैक्रो का भी सेंसर मिला, जो कि मेरे हिसाब से यार मैक्रो नहीं मिलना चाहिए। अब ना यार इन ब्रांड्स को ना मैक्रो का पीछे छोड़ देना चाहिए। और जो फ्रंट कैमरा है वो आपको 13 मेगापिक्सल का मिलता है। तो आप ये फोटोज देख सकते हो, हमने काफी सारी फोटोज क्लिक की है पोर्ट्रेट वगैरह के अंदर, देखोगे यहाँ पे जो कलर्स वगैरह है वो एकदम नेचुरल से देखने को मिलते हैं। जब आप सेल्फी वगैरह के अंदर क्लिक करोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्यूटी को बढ़ा रहा है, जबकि पहले आपने देखा होगा सैमसंग के अंदर यहाँ पे ब्यूटी बहुत कम होती थी, तो अब यहाँ पे ब्यूटी वगैरह थोड़ी सी यहाँ पे बढ़ाई जा रही है। तो यार आप नॉर्मल फोटोज वगैरह क्लिक करोगे ना तो काफी अच्छी फोटो निकल कर आ जाती है, पर आपका मतलब मेन टारगेट ही कैमरा है तो ये स्मार्टफोन मैं आपके लिए सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग करोगे ना तो आप 1080 FPS पर ही रिकॉर्ड कर सकते हो फ्रंट और बैक कैमरा से। तो यहाँ पे 1080 यार कम से कम 60 FPS का तो ऑप्शन मिलना ही चाहिए था, जबकि अगर हमें 1-2 हज़ार रुपये और देंगे इसके तो आपको 4K का भी ऑप्शन मिल जाता है बैक कैमरा के अंदर दूसरी ब्रांड की तरफ। तो अगर आपका मेन टारगेट वीडियोज के लिए है तो भी ये स्मार्टफोन मैं आपके लिए सजेस्ट नहीं करूंगा। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि यार स्मार्टफोन लेना कब है, तो ये स्मार्टफोन दोस्तों आप तब ले सकते हो जब आप एक नॉर्मल यूजेज के लिए लेना चाहते हो, यानी कि आपके नॉर्मल काम पड़ता है, आप नॉर्मल कॉलिंग वगैरह करते हो। कॉलिंग वगैरह भी हमने इसके अंदर टेस्ट किए, उसके अंदर कोई भी शिकायत नहीं है, और यहाँ पे 5G की जो कनेक्टिविटी है उसके अंदर भी दोस्तों कोई शिकायत नहीं। अगर आपके नेटवर्क सही है तो यहाँ पे 5G अच्छे से चलता है। तो यार मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अपने पेरेंट्स वगैरह को दिलाना चाहते हो तो बिल्कुल दिला सकते हो, अगर आपको अच्छी बैटरी चाहिए, क्योंकि बैटरी भी इसकी काफी अच्छी चल जाती है। पर ये कह सकता हूँ कि यार A14 जो था उससे मतलब इतना कोई बड़ा अपग्रेड नहीं किया है अब की बार A15 के। यार मैं अगर मेरा फाइनल रिव्यू दूं, क्योंकि यार आपको पता होगा हम ना स्मार्टफोन को खुद से ही परचेस करते हैं तो कोई भी यहाँ पे प्रमोशन वीडियो नहीं होती, हम जो भी बताते हैं आपको एकदम सच बताते हैं। तो देखिए मेरे हिसाब से इसकी प्राइस थोड़ी सी ज्यादा है, इसके जो स्पेसिफिकेशन है उस हिसाब से दोस्तों ये 15,000 रुपये तक आना चाहिए। हो सकता है आगे 15,000 इसकी प्राइस हो जाए ऑफर वगैरह लगाकर, पर अभी इसकी प्राइस है 19,500। तो मैं यही कहना चाहूंगा अगर आप मतलब नॉर्मल यूजेज के लिए लेना चाहते हो तो ले सकते हो, अगर आप हैवी यूज के लिए लेना चाहते हो तो मैं आपके लिए सजेस्ट नहीं करूंगा। अगर आपने खरीदा है या फिर खरीदने की सोच रहे हो आप कमेंट करके जरूर बताना, और स्मार्टफोन कैसा लगा वो भी जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना तो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लो, ताकि आप ऐसी कोई भी यूजफुल वीडियो मिस ना कर पाओ। मिलता हूं मैं आपसे ऐसे किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।